गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल एवरीबॉडी। तो क्या हालचाल, उम्मीद है सब ठीक होंगे। मेरा नाम है पंकज और एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो गाइस, सुबह के 11 बज गए हैं और बाहर देखिए मौसम में एकदम मस्त धूप लगी और साथ में ठंडी ठंडी हवा। अभी ना हम रूम से निकल गए हैं, हम जा रहे हैं यहाँ पर एक नियर बाई मार्केट में। यहाँ पर एक मार्केट है, ओपन मार्केट लगती है भाई सैटरडे को, तो वहाँ पर जा रहे हैं। क्योंकि यार पता नहीं है, मंडे को अगर गाड़ी मिल गई तो गाड़ी में अपनी जो यूजफुल चीज़ें हैं कुछ लेके आनी है, वो साथ में वहाँ से ले लेंगे। वहाँ पर बढ़िया है भाई, चीप रेट में सामान मिल जाते हैं। तो ये अपने घर के सामने वाला बस स्टॉप, यहाँ पर बस आएगी, यहाँ से बस में जाएंगे। लगभग 3 किलोमीटर का सफ़र है यहाँ से, साथ में ही है वो मार्केट। सामान लेके भाई मुझे जाना है कंपनी, क्योंकि हमारे रूम में ना एक बंदा वापस आ रहा है आज गाड़ी लेके, तो बेस में उसको गाड़ी जमा करवानी है। तो उसने मुझे फ़ोन किया है और उसकी थोड़ी हेल्प करनी है, क्योंकि भाई लगेज होता है बंदे के पास तो वो अकेला है। तो कंपनी जाऊँगा, उसकी गाड़ी जमा होगी और उसके बाद उसका सामान लेके हम आएंगे रूम। तो पहले जाएंगे मार्केट, मार्केट से अपना सामान ले लेंगे जो जो जरूरत की चीज़ें होंगी, और वहाँ से मेजर आ जाएगा घर और मैं जाऊँगा फिर कंपनी। वीडियो में भी आपने देखा कि भाई मैं बिजी था, फ्राइडे था, तो मैं अपने टैको का अपडेट लेने गया लेकिन मेरा काम नहीं हुआ। तो चलो अब वीकेंड है, छुट्टियां हैं, तो ये काम तो अपना निपटा लेते हैं कि अपने सामान इकट्ठे कर लेते हैं। क्योंकि भाई हमें ना गाड़ी पे कुछ ज़रूरी सामान होता है, जैसे प्लायर, जैसे कई बार गाड़ी में सील लगी होती है तो उसको काटने के लिए प्लायर चाहिए होता है। जैसे एक चेयर ले लो एक टेम्प्ररी, तो उसमें क्या होता है कि जैसे कैंपिंग वाली चेयर होती है फोल्डिंग वाली, वो गाड़ी पर रख लो, कहीं आपको पार्किंग में बैठना है, कई बार जैसे आपकी रेस्ट होती है तो बाहर बैठने के लिए वो बड़े काम आ जाती है। यहाँ पर ना 10 मिनट बस का वेट करने के बाद भाई बस नहीं आ रही है। बस की जो टाइमिंग थी, हम यहाँ पर आ गए थे लेकिन बस नहीं आई। और ये भाई भी हमारे साथ में ही है, ये भी वहीं जा रहे हैं। तो अब हमें जाना पड़ेगा भाई वो मैक्सिमा की तरफ, वो आगे जाएंगे इधर, वहाँ से दूसरे रूट वाली बस पकड़ेंगे और तब पहुँच पाएंगे हम वहाँ पे। यार वैसे तो आज है ना वीकेंड, लेकिन जिस हिसाब से रोड पे भाई गाड़ियों की आवाजाही देखी मैंने, तो वीकेंड ज़रा सा भी नहीं लग रहा। तो हमारे साथ वाले भाइयों ने तो भाई छोड़ दिया हमारा रास्ता, वो जा रहे हैं पैदल। उन्होंने डिसाइड किया कि वो पैदल जाएंगे, तो वो पीछे भाई रोड से आगे पैदल निकल जाएंगे। हम जा रहे हैं अभी ये देखिए मैक्सिमा की तरफ और वहाँ से लेंगे बस। गाइस मैंने ना आपको पिछली कई वीडियो में बताया है कि यहाँ पर आप सामान खरीदते हुए अपने पैसे कैसे बचा सकते हो। जैसे मैंने बताया कि कुछ इलेक्ट्रॉनिक सामान लेना हो तो आप जाइए एक्रोपोलिस, कुछ सामान लेना हो वहीं पे साथ में है डेपो, तो वहाँ से भी आप वही होलसेल में सामान मिल जाते हैं। कपड़े खरीदने हैं तो भाई श्योली सिटी में ही, जैसे ह्यूमाना और वो दूसरे स्टोर हैं बर्तन के लिए, मैंने स्टोर बताया है कि वहाँ से ना चीप रेट पर आप बहुत अच्छे सामान ले सकते हो। तो कुछ सामान जैसे अभी हम मार्केट में जा रहे हैं वहाँ पर, उससे क्या होगा ना भाई, सामान भी आपके पूरे हो जाएंगे और आपकी अच्छी खासी बचत भी हो जाएगी। वरना यहाँ पर पैसे भाई कैसे निकलते हैं आपको पता भी नहीं लगेगा। तो भाई ये पीछे यहाँ पे है मैक्सिमा और वहाँ से आएगी अपनी बस, और बिल्कुल ठीक सामने है बस स्टॉप, तो वहाँ से मिलेगी अब बस। ये घूम घूम के जाएगी, हमारी कंपनी से होते होते हुए निकलेगी। तो भाई वो बस आ गई है अपनी, ये देखिए 6 नंबर, और लेकिन अपना सिग्नल है देखिए रेड। ये किस्मत हमेशा ख़राब होती है, पिछली वाले वहाँ जगह पे बस नहीं आई, यहाँ पे भाई एकदम बस आई तो सिग्नल हो गया है रेड। हमारी किस्मत में आज भागम भाग ज़्यादा लिखी है भाई। पहुँच गए हैं नियर बाई मार्केट के, भाग भाग के हमने बस पकड़ ली भाई। हमने देखा कि सिग्नल से बस आगे निकल गई थी, लेकिन फिर भी हम दौड़ के आ गए। ये है यहाँ पे बस स्टॉप और ये सामने है मार्केट। मैंने पहले भी एक वीडियो बताई है जिसमें इस मार्केट को एक्सप्लोर किया है। तो यहाँ से जी मार्केट शुरू हो गई है, और देखिए हमारे भाई लग गए हैं शॉपिंग में। ये देखिए गाड़ी में सबसे ज़्यादा ज़रूरी भाई एयर गन, गाड़ी में साफ़ सफाई के लिए बहुत बढ़िया है। और ये चेयर्स भाई जैसे मैं बता रहा था फोल्डिंग चेयर्स होती हैं 12 यूरो की भाई, है तो महंगी लेकिन जब ज़रूरत हो तो लेनी ही पड़ती है। जैसे पानी की टंकी होगी, गैस स्टोव हो गए, ये सब भाई गाड़ी में आने वाले यूज़ होने वाले सामान हैं। तो देखते हैं मार्केट में एक बार राउंड अप करते हैं। तो भाई ये देखिए बाजार, कपड़े, ये देखिए पूरी स्ट्रीट, ये कपड़ों वाली स्ट्रीट है भाई, इसमें पूरे कपड़े मिलेंगे आपको, बढ़िया ब्रांडेड भी है और सेल वाले भी, आपके लगभग सारी ज़रूरत की चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। थोड़ा बहुत कोई बारगेनिंग कर लेते हैं, कुछ बारगेनिंग नहीं करते हैं, तो वो आप पे डिपेंड है कि आप अपनी परचेजिंग कैसे करते हैं। ये देखिए ब्लैंकेट, ये देखिए भाई जितने भी बंदे हैं ना मोस्टली ड्राइवर हैं, गाड़ियों के ड्राइवर हैं, वही सामान लेने आते हैं ज़्यादातर यहाँ पर। लोकल्स हैं लेकिन उतने ज़्यादा नहीं। ये बात एक लेना है हमें, ये वाला स्केल, ये वाला स्केल आता है भाई यूनिट का फ्यूल लेवल चेक करने के लिए। एक तो आपने देखा होगा जो दूसरा होता है, एक ये वाला लेना है। हाउ मच दिस, हाउ मच फॉर? 5 यूरो, 5 यूरो का बता रहे हैं भाई इसको।
इंडिया के 500 हो गए भाई। देखिए एक स्केल को लेने के लिए इंडिया के 500 हो गए। कितना महंगा काम है यार। तो भाई एक लेना है अपने को प्लायर। प्लायर वो हो यार जो सही से ना वायर्स को काटे, क्योंकि गाड़ी में ना कई बार सील होती हैं और वो मोटी मोटी होती हैं, फिर इससे कटती नहीं है। उसके लिए देखेंगे एक बढ़िया सा प्लायर है तो ये अच्छा है, लेकिन भाई कोई दूसरा काम करना हो तो उससे नहीं होगा। ये आगे भाई वो शॉप जहाँ से हमने पहले भी सामान लिया था, मैंने एक वीडियो में बताया था जब हमने बैग और पानी की टंकी कुछ ऐसे सामान लिए थे तो उसी शॉप से लिए थे। देखो भाई गाड़ी के लिए ब्रेक्स, डिस्क पैड, ऑयल सब मिलेगा भाई, सब मिलेगा यहाँ पे। आपकी ज़रूरत जो हो बस वो देख लो, यहाँ पर सब मिलेगा। वो पीछे तक मार्केट है भाई, वो देखिए पूरा एरिया इसी का ही है, दूर दूर तक ये मार्केट। और ये एक स्पेसिफिक दिनों में ही खुलती है, जैसे आज सैटरडे है और ट्यूज़डे को। ये वाले एरिया में भाई पूरा स्पोर्ट्स गियर है, ये देखिए साइकिल्स और स्पोर्ट्स गियर के सामान जितने भी हैं। तो जितने भी नए भाई इस वीडियो को देख रहे हैं वो इस मार्केट में ज़रूर आएँ और अपनी ज़रूरत की चीज़ें भाई कोशिश करें कि यहाँ से परचेज करें, आपके भाई बहुत पैसे बच जाएंगे। मैंने अभी ये एक स्केल ले लिया है वहाँ पे, और अभी लेना है एक प्लायर। अभी तो यही अपने काम की चीज़ें मिली हैं, बाकी अभी ढूंढ रहे हैं। और मुझे ना यार उस भाई का फ़ोन आ गया है जो कंपनी में आने वाला है, तो मुझे यहाँ से अभी निकलना भी पड़ेगा फटाफट, क्योंकि उसकी गाड़ी जमा होनी है तो उसके हेल्प करनी है वहाँ पर, उसका सामान निकालना है। तो यहाँ पे फटाफट एक राउंड कर लेते हैं, नज़र मार लेते हैं और फिर निकलते हैं फटाफट उधर। सामान तो है यहाँ पर लेने के लिए बहुत कुछ, लेकिन अपने पास समय नहीं है। मुझे फ़ोन आ गया है तो मैं वहाँ के लिए जा रहा हूँ। अभी बाहर से देखता हूँ कंपनी की तरफ जाने वाली बस। अब देखते हैं ट्यूसडे को अगर आने का हुआ तो एक बार उस टाइम गाड़ी में जाने से पहले एक बार फिर से आएंगे यहाँ पर, क्योंकि यार अभी समय नहीं है। यहाँ पर भाई एक मस्त चीज़ मिली है, ये देखिए पापू में भाई कैसे मछलियाँ भरी है रंग बिरंगी पालने के लिए। ये देखो भाई इनको चाहे खाने को ले जाओ चाहे पालने को ले जाओ। और ये देखिए भाई झींगे। तो यार मैं आ गया हूँ मार्केट से बाहर और रोड के दूसरी तरफ से लेनी है बस, वहाँ से निकलते हैं अमरिंदर के पास। और अभी आके भाई खाना भी बनाना है अपना। मेजर भाई अगर उतने में रूम जाते हैं तो खाना बना लेंगे, वरना आकर बनाना पड़ेगा। अभी नए भाई ये वीडियो देख रहे हैं जो शोले में काम कर रहे हैं, उनके काम की भाई बहुत सारी ये बातें हैं, तो आप ध्यान रखो अगर आपको थोड़े पैसे बचाने हैं सामान खरीदारी में तो आप इन जगहों को भाई विजिट करो। विजिट करके आपको पता लग जाएगा कि कहाँ से सामान लेना है, कहाँ से सस्ता सामान मिल सकता है। भाई जब गाड़ी में आप होते हो ना तो आपको फिर याद आती है कि यार क्या क्या सामान ज़रूरी है, फिर लगता है कि ये भी लिया होता वो भी लिया होता है। तो जब आपको यहाँ पर समय मिले ना तो अच्छे से अपने सामान की खरीदारी कर लो। तो यार बस स्टॉप में तो मैं आ गया हूँ, लेकिन यहाँ पर बस अभी लेट है। आज भाई सारे काम लेट लेट हो रहे हैं, और कभी भी यार जब आपको जल्दी होना तो जल्दी में कोई भी काम नहीं होता है, तब और ज़्यादा देर पड़ती है। तो कर रहा हूँ बस का वेट, अभी 5 मिनट में एक बस आने वाली है, बट वो भी नहीं पता कि कंपनी की तरफ जाएगी या नहीं। ये देखिए ये हमारी कंपनी की गाड़ी जा रही है। वहाँ से ना मुझे डायरेक्ट बस नहीं मिली, तो मैं अपने जो हमारे रूम से कंपनी जाने का रास्ता है वहाँ तक मुझे एक बस मिली है, तो यहाँ पर उतर गया हूँ मैं। यहाँ से दूसरी बस लूँगा अभी कंपनी जाने के लिए। जो कंपनी की तरफ बस जाती 25 नंबर वो आज नहीं है वहाँ पर, तो फिर मेरे को बस चेंज करनी पड़ी। वहाँ से एक बस मैं आया और यहाँ से दूसरी बस लूँगा, वो सिग्नल के आगे से राइट लेकर कंपनी का रास्ता जाता है। इसी भागम भाग में ना भाई बंदा थक जाता है। अब आगे बंदा वेट कर रहा है जल्दी में वो मेरा आने का, लेकिन यहाँ पर बसें नहीं मिल रही है। पीछे से आधा घंटा वहाँ वेट किया फिर बस आई, अभी यहाँ से बस पता नहीं कितने टाइम में आएगी। तो ऐसे चक्करों में ना यहाँ पर बहुत दिक्कत होती है। तब फिर काम आती है बोल्ट, जैसे अपनी ओला ओवर है बोल्ट टैक्सी करके ना, वो इजी होता है, लेकिन भाई उसमें पैसे भी तो थोड़ा ज़्यादा लगेंगे। तो लो भाई अपने को बस मिल गई थी और मैं पहुंच गया हूँ नियर स्कानिया। अब जाना पड़ेगा पैदल भाई भरी दोपहर में। बस अंदर नहीं जाएगी, मैंने ड्राइवर को पूछा था कि कंपनी वाले रोड पे अंदर जाएगी, तो उन्होंने मना कर दिया कि ये जाएगी यहीं से यू टर्न। भाई परेशान वो भी हो रहा है, लेकिन परेशान मैं भी हो रहा हूँ क्योंकि बस की वजह से। वीकेंड है, बस की फ्रिक्वेंसी ज़्यादा नहीं है, तो शुरू में वहाँ पर मार्केट के पास भी वेट किया बस का, फिर दूसरी जगह बस का वेट किया। अब यहाँ से दिक्कत और आ गई कि यहाँ से पैदल जाना पड़ेगा अंदर। तो चलो अभी ऑलमोस्ट पहुँच गए हैं। तो भाई भटकते भटकते पहुँच गए हैं कंपनी के ऑफिस, और हम जाएंगे सीधा अभी भाई यार्ड की तरफ।
क्योंकि अपना बंदा वहीं पे वेट कर रहा है। देखिए वीकेंड है, बिल्कुल खाली खाली, ना कोई आदमी ना कुछ। ये देखिए सारा यार्ड खाली पड़ा है भाई। अब उसने गाड़ी अंदर ले ली है, अब देखते हैं क्या सीन बन रहा है वहाँ पे। तो गाड़ियों को जमा करने के लिए तो आज उतनी भीड़ नहीं होगी, तो मे बी वो इस टाइम फ्री हो गया होगा, गाड़ी उसकी इंस्पेक्ट होगी होगी। बाकी तो अंदर जाने का मुझे अलाउड करते हैं या नहीं वो मुझे नहीं पता, और कोशिश करते हैं अंदर ही जाने की, क्योंकि उसका लगेज भी होगा वो अंदर ही पड़ा होगा, तो उसको भी बाहर लेके आना पड़ेगा। तो ये आ गया जी सिक्योरिटी पोस्ट, देखते हैं अब अंदर जाने की कोशिश करते हैं, जाने देते हैं या नहीं। सामने है अपना बंदा और ये गाड़ी अभी इंस्पेक्ट हो रही है। तो भाई जब बेस में आते हैं ना तो फिर ऐसे गाड़ी की इंस्पेक्शन होगी, एक एक पार्ट आपका चेक होगा, कोई आपने डैमेज किया है या कोई भी डिफेक्ट होगा गाड़ी में वो सब चेक करेंगे। तो देखिए भाई साहब ने पहले ही आपका फ्यूल लेवल चेक होगा यूनिट का, ये देखिए पहले ही ढक्कन खोल दिया है, आपके जो मड फ्लैप हैं वो आपके चेक होंगे, वो कहाँ रखे हैं या कोई डैमेज तो नहीं है, आपका ट्रेलर में कोई भी स्क्रैच या कुछ भी मेंशन है, हर चीज़ भाई हर चीज़ चेक होगी गाड़ी की। अभी गाड़ी में जितनी भी एसेसरी है ना भाई ये एक एक चेक होंगी। देखिए ये बार्स पड़ी हैं, हर चीज़, अगर कोई भी चीज़ भाई कम हुई तो उसका पैसा फिर आपसे कट। ये देखिए भाई हर चीज़ की इंस्पेक्शन होगी। ये देखिए जैसे वो मैंने बताया ना मड फ्लैप भाई ने खोल के रखे हैं यहाँ पे, अभी रिफर का भी फ्यूल लेवल चेक होगा, इसने पहले ही ढक्कन खोल दिया है। तो वैसे भाई हर चीज़ का इंस्पेक्शन होगा इसमें, जो भी एसेसरी है जैक है रॉड है या दूसरे कोई भी सामान, उनके पास लिस्ट होती है, उसमें चेक करके एक पे टिक मार्क कर लेंगे। एक बार आपको डेफ गाड़ी अंदर से बताते हैं कि कैसी होती है, क्योंकि हमारे पास थी मैन गाड़ी। ये देखिए भाई डेफ गाड़ी होती तो अच्छी है यार, डेफ गाड़ी का सबसे अच्छा होता है डैशबोर्ड। ये देखिए एकदम फ्लैट बढ़िया सामान रखने के लिए, ये देखिए नीचे। तो इसमें ना सबसे बढ़िया मुझे लगा ये वाला सिस्टम, ये इसमें बहुत बढ़िया है सामान रखने के लिए। यहाँ देखिए कितना बड़ा भाई एरिया मिल जाता है, और मैन गाड़ी में ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, उसका सारा डैशबोर्ड बेकार सा है। और ये देखिए पीछे बेड, ये है नीचे भाई फ्रिज, ये देखिए ये गाड़ी में सारी फैसिलिटीज होती हैं। और ये ऊपर वाला बेड फोल्ड करके रखा है। तो इस हिसाब से ना भाई गाड़ी बहुत बढ़िया डेफ मुझे लगी। और ये भाई टैको मशीन, इसमें अपने टैको डलते हैं और इसमें ही पूरा टैको का हिसाब किताब होता है। अभी वो आएगा बंदा अंदर से, इसमें एक डिवाइस लगाएगा, जितना भी आपका डाटा है टैको का वो सारा उसमें ट्रांसफ़र हो जाएगा। और ये भाई बेड के नीचे दूसरी स्टोरेज, ये देखिए बहुत कुछ होता है स्टोरेज के लिए। ये वाला एरिया फ्रिज का हो गया, ये स्टोरेज है, वो स्टोरेज है, इधर स्टोरेज है, तो सामान रखने के लिए तो काफ़ी जगह है गाड़ी में। जनाब ने पूरी गाड़ी की इंस्पेक्शन कर ली, फ्यूल लेवल चेक कर लिया और गाड़ी की पूरी चेकिंग हो गई। तो भाई साहब का ऑल डन, सारी गाड़ी एकदम मस्त, बस अब इनका टैको का डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है और फिर गाड़ी पार्क करते हैं। भाई गाड़ी की इंस्पेक्शन हो गई है और हमें बोल दिया है कि गाड़ी को पार्क कर दीजिए कहीं आगे स्लॉट में, तो अभी ले जा रहे हैं गाड़ी को पार्क करने के लिए। तो यार देखो भाई अपनी गाड़ियों का, एकदम नई नई गाड़ियाँ खड़ी हैं, गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ। ये देखिए भाई यूनिट से ना पूरा ग्राउंड भर गया है, और पीछे की तरफ भी भाई ऐसे ही, आप इमेजिन नहीं कर सकते कि कितनी गाड़ी, इतनी गाड़ियाँ तो भाई एक एजेंसी के पास भी नहीं होंगी जितनी हमारी कंपनी में आ गई हैं। अब देखते हैं यहाँ पर कहीं पार्किंग स्लॉट और करते हैं गाड़ी को पार्क। तो यहाँ पे मिला है भाई पार्किंग स्लॉट, तो यहाँ पर करेंगे गाड़ी पार्क। ये लग रही है गाड़ी अपनी पार्क, भाई गाड़ी कर दी है यहाँ पे पार्क और हमारे भाई साहब खुशी खुशी चल दिए हैं घर की तरफ। तो अमरिंदर जी कैसा रहा आपका सफर 2 महीने? सफर बहुत अच्छा था, बढ़िया बढ़िया। कुछ सीखने को मिला? बहुत कुछ मिला, बहुत कुछ मिला, बहुत कुछ गवा दिया। ये कुछ एक्सप्रेशन और ऐसे कुछ फीलिंग होती है ट्रिप के बाद। चलो बढ़िया हो गया भाई के 2 महीने अच्छे से निकल गए और बहुत कुछ सीख के आए,
और भाई इंडियन लाइसेंस पे आए हैं। तो भाई मैं जो इंडिया वाले देख रहे होंगे ना इस वीडियो को, देखिए भाई आप आ सकते हो, थोड़ा सा अपने आप को उस काबिल बनाइए। और भाई ने एम्बुलेंस चलाई है, ट्रेलर चलाया है, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं मतलब, बट 6 महीना इन्होंने ट्रेलर चलाया है, बट इन्होंने अपनी स्किल्स को डेवलप किया भाई और यहाँ तक पहुँच गए। तो आप लोग भी आ सकते हो, इसमें बड़ी कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने सालों साल अगर ट्रेलर चलाया तभी यहाँ आ सकते हो, बहुत ईजी सा काम है, बस आपको सही रास्ते पर चलना पड़ेगा। चल पड़ी भाई साहब की बारात, अभी यहाँ से हमने टैक्सी बुक कर ली है, तो यहाँ से टैक्सी में जाएंगे घर। आ गई भाई अपनी बोल्ट और करते हैं अपना सामान लोड यहाँ से, सामान तो अपने पास ठीक ठाक ही है, देखते हैं गाड़ी में आ जाए तो। ये लो भाई 5 मिनट का सफर और पहुँच गए घर के पास, वो सामने अपना घर। रूम में आके नहा लिए, खाना खा लिया और आराम भी कर लिया, शाम के 5 बज गए हैं, अभी जा रहे हैं हम मैक्सिमा की तरफ। तो मनिंदर भी भाई नहा धो के फिट हो गया है, मैक्सिमा से लेके आते हैं कुछ सामान खाने का, क्योंकि मनिंदर के ना एक दो फ्रेंड अभी रूम में आ रहे हैं आज। यार रूम में मेहमान आएंगे तो दावत बनेगी, तो दावत के लिए कुछ अच्छा खाने के लिए लेके आना पड़ेगा, इसलिए अभी हमने प्लान किया है कि बाहर से कुछ लेके आते हैं। और हमारे सरदार जी एकदम फिट, देखिए चमक रहा है भाई चेहरा, ये होती है घर में आके खुशी। क्योंकि भाई मोस्टली हमने देखा है कि जब बंदा ना रूम में होता है तो भाई उसका काम सिर्फ ग्रॉसरी ढोने का होता है। आपने देखा कि मोस्टली रोज़ ही हम जाते हैं मैक्सिमा या रिमी में, कुछ ना कुछ सामान की परचेजिंग चली रहती है। सिग्नल में जब भी आए ना यार ये हमेशा रेडी मिलता है, ये मैंने बहुत बार इसको एक्सपेरिमेंट कर लिया है, ये हमेशा रेडी ही मिलता है जब भी हम यहाँ पर आए। कल भी आपने देखा हम बस के लिए कैसे भाग रहे थे। आगे जी हमारे लाला जी की दुकान मैक्सिमा, सबकी माँ मैक्सिमा। हेलो गाइस, वीरे असी समान लै के आए हैं जी काफ़ी ज़्यादा, ठीक है जी समान ले लिया इंडिया का तकरीबन 4-5 हज़ार का, वीर अपना 5 हज़ार का झोला बता दे। हाँ 5 हज़ार का झोला वा जिहड़ा नाल लिया असीं, 5 हज़ार का झोला लिया, जिन्हें सियाने कहिंदे ना दाढ़ी नूं मुछां वड्डियां होईआं वो चीज़ है, समान थोड़ा है झोला महंगा है। हाँ असीं अज काफ़ी दिनों बाद बनावांगे अज मावां दी दाल ते नाल चौल। गाइज वीरे जिन्हें जिन्हें खाना आ जाओ, जिन्हें जिन्हें खाना तो पंकज वीर नूं मैसेज करके दस दियो किन्ने बजे आना, क्योंकि रिप्लाई करते हैं सारे का। ओके गाइज वीरे अभी सामान लेके आ गए हैं वापस, जैसे भाई ने बताया कि ये जो बैग लेके आए हैं भाई इसमें सामान 50 यूरो का सामान लेके आए, ये देखिए 50 यूरो मतलब इंडिया के 4500-4800 कुछ लगभग बनते हैं, तो देखो भाई क्या होते हैं 50 यूरो अपने इंडिया में, 5 हज़ार में तो भाई महीने भर की ग्रॉसरी आ जाएगी। जैसे मैंने पहले भी बोला है भाई कि हम यूरो में कमाते हैं तो हमारे खर्चे भी यूरो में ही होते हैं, ये सिर्फ कैलकुलेशन हम तब देखते हैं जब इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करते हैं कि सैलरी अच्छी खासी है या आपकी कमाई बहुत बढ़िया है। जब आप यहाँ पर कमा यूरो में रहे हो तो भाई खर्चे भी यूरो में ही होते हैं। तो यार पहुँच गए हैं अभी रूम में और करते हैं सबसे पहले अब खाने का प्रिपरेशन, रात के खाने का, अपने में मेहमान भी आने वाले हैं। और भाई हमारे रूम का भी देखो फिर से मीना बाज़ार बन गया है, क्योंकि भाई जैसे जैसे अब बंदे अपने आ रहे हैं ना सामान आता रहेगा और कमरा भरा जाएगा, और भाई अपना कमरा भरता रहेगा। भाई शाम के 7 बज गए हैं और हमारे जो मेहमान आने वाले थे वो मेहमान भी आ गए हैं, खाना पीना बन गया है, खाना खा लिया है। तो गाइज बने रहिए चैनल पे, मिलते हैं आपको एक नई वीडियो में, अगर वीडियोज आपको पसंद आ रही हैं गाइज कीप सपोर्टिंग और ऐसे अपना प्यार देते रहें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाय बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर।